हेलो एवरीवन, आई एम अर्षी अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग सीमेट 2022 के सॉल्यूशंस देखेंगे। अभी अभी इनकी रिस्पॉन्स शीट आई है, तो तुरंत मैंने सोचा सॉल्यूशन बना लूँ जैसे ही मेरे हाथ में पेपर आया। अच्छा, इस पेपर में एक क्वेश्चन का ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, तो वो पहले आप क्वेश्चन देख लेना अगर आपको उसको ऑब्जेक्शन करना है तो सीधे इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन मेरा देख लेना। तो अगर आपको लगे कि वो सॉल्यूशन सही है तो आप फिर उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। तो एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसमें करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों में जिसने भी अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो 18th क्वेश्चन पहले देख लेना, फिर बाद में पूरे वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, जिसने भी अभी तक हमारा कोई कोर्स परचेस नहीं किया है तो मैं बार बार बोलता हूँ, ब्रांड के पीछे इधर उधर मत जाओ, मुझे ज्वाइन करो, ठीक है। अगर कैट 2022, देखो कैट 2022 तो नाम है, इसमें कैट, सेट, IFT, सीमेंट सब कवर हो जाएगा। तो आप ये कोर्स परचेस कर लो www.catipmet.com/cat2022, या अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर कैट देने वाले हो तो आप catipmet.com/cat2023 पे क्लिक करना, ठीक है। और कोर्स जल्दी से जल्दी परचेस कर लेना ताकि आप लोग बेसिक्स हाई लेवल सब कुछ सीख जाओ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखने हो टफ से टफ क्वेश्चन के, बहुत इजी सॉल्यूशन देखने, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको कैट, जेट, IFT, सीमेट इन सब के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्वांट और LRDI के, ठीक। चलो अब ज़्यादा समय वो ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्यूशन चालू करते हैं। एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड 20 ईयर, देखो जब भी एवरेज आ जाए, 3 का एवरेज है 20, यानी टोटल होगा 23 60 67, ये सब लिखना आना चाहिए। और एज का प्रपोर्शन है 2 3 5 का, ऐड कर देंगे तो 10x आएगा, अगर 2x, 3x और 5x मान ले तो x आ गया 6। अब तो जिसकी एज पूछी वो एज बता दो। ओल्डेस्ट फ्रेंड 5 है, 5 6 30, ऑप्शन सी। देखो इतनी ही स्पीड है, इससे ज़्यादा तेज स्पीड में करना चाहिए, है ना। तो अब इन क्वेश्चंस में मैं आपको एग्जाम में पेपर कैसे करना वो सिखाऊंगा, ताकि आपका स्पीड में पूरा पेपर हो, ठीक है। और बेसिक से सीखने के लिए हमारा वीडियो कोर्स तो है ही आपके पास, है ना, है ना। और आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अ कॉपर वायर हैविंग लेंथ 243 मीटर, डायमीटर 4 mm, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो डायमीटर है और एक मिलीमीटर में, तो रेडियस पहली फुर्सत में लिख लो 2 हो जाएगी, इंटू 10 to the power -3, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10 to the power -3, ठीक है। और लेंथ तो हमें पता ही है 243। अच्छा एक चीज़ आपको पता होगी, स्फीयर बना रहे हैं, किसी से कुछ भी बनाओ वॉल्यूम इक्वल होता है। अच्छा कॉपर वायर है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h, है ना, h इसमें l की जगह ले लेगा, इज इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³, उसकी रेडियस कैपिटल r मान लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, पाए से पाए कैंसिल, r² 2 का स्क्वायर 4, 10 to the power -3 का स्क्वायर, 10 to the power -6, इंटू एच की जगह एल हो जाएगा 243। 243 को आप लिख लो 3 to the power 5, है ना, 3 की पावर 5 क्या होता है, 243 इज इक्वल टू 4/3r³, 4 से 4 कैंसिल, तो r³ इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 की पावर 6 इंटू 10 to the power -6, क्यूब रूट ले लेंगे तो r आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 to the power -2, इन्हें अपॉन में 100 लिख दो, इसको लिख सकते हैं 0.09, ये रेडियस आ गई। इन्होंने क्या पूछा था, डायमीटर इंटू 2 कर देंगे तो डायमीटर क्या आ जाएगा, 0.18, ये आएगा मीटर में, ठीक है। ऑप्शन में 18 दिख रहा था, वैसे ही लगा देते, है ना, इंटू 100 करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ऑप्शन भी सेंटीमीटर, ऑप्शन भी क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। थर्ड क्वेश्चन, अमेन बोरोस 4000 रुपीज 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक 1500, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 4000 लिए इसने, ध्यान से देखना, अब 1+r/100 होता है, यानी 1+15/100 यानी 1 × 3, ओवरऑल इसको इतना अमाउंट देना है, इतना तो क्लियर है, ध्यान से समझना, अच्छा कंसेप्ट है। यह आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 23/20 का क्यूब,
ठीक है, सॉल्व करते ही जाओ लगे हाथ, तो ये 8000 1/2 आ जाएगा, है ना। अब 23 का स्क्वायर तो मुझे पता है 529 होता है, इंटू 23 और कर देता हूँ, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक बार इन सॉल्व कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। वन टू वन सिक्स सेवन, सिक्स जीरो एट थ्री पॉइंट फाइव, है ना, इतना अमाउंट देना है। अच्छा देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे ऊपर के भी आपने दो देखे होंगे वो काफ़ी इजी थे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विद इन 30 सेकेंड से 1 मिनट हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन सीमेट में ऐसे हैं, मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 3 4 या मैक्सिमम 5 मिनट लेंगे, फिर भी आप ओवरऑल देखोगे, है ना, तो आपका ये पूरा पेपर 40 मिनट्स के अंडर ही अंडर हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम 40 मिनट लगेगा, तो इतना तो ये मैथ्स के वैसे भी क्वेश्चन है, अगर ज़्यादा टाइम लिया 40 मिनट में भी हो गए तो ये पेपर ड्यूएबल है पूरा का पूरा। ठीक है, इतने देने हैं इसको। अब देखो पहले साल इसने जो 1500 दी है ना, अब उस पर ये 2 साल तक रहेंगे ये, मतलब है ना, क्योंकि 3 साल में इसको पूरे ड्यूज क्लियर करने। अगले साल जो 1500 दिए होंगे वो सिर्फ एक ही बार के लिए रहेगा, है ना। अब थर्ड ईयर में कितना देना है वो देख लेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन को भी आप लोग मार्क फायर रिव्यू कर सकते हो, है ना, अभी अगर विंडो ओपन है तो ये भी देख लेना। अब क्यों वो मैं बता देता हूँ। अब 1500 अपॉन 400, ये 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400। सॉल्व कर लेते हैं, तो 529 इंटू 15/4 है, इसको पूरा सॉल्व कर लो, बाय 4, प्लस 15, ये तो यार 75 इंटू 23, ये सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं रहता, ध्यान रखना खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। इतना ऐड कर लेते हैं पहले, थ्री सेवन जीरो एट पॉइंट 75 माइनस कर दो तो देखो कितना आ गया, 2374.75 प्लस अगर एक्स दें। देखो देना तो इतना चाहिए था क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा नहीं पूछा था, ठीक है, मेरे ख्याल से आंसर 2374.875 होना चाहिए था, लेकिन अगर ऑप्शन से देखें और ये भी मान लें 2374.75, अगर मान लें कि थर्ड ईयर में इसने 1500 भी दे दिए थे, अगर ये लोग इसको काउंट करके बोल रहे हैं तब फिर आंसर आ जाएगा 0.75, 874.75, ऑप्शन डी लगा दो। तो इन केस अगर चारों ऑप्शन नहीं मिल रहा था डी भी आप लगा सकते थे, है ना, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तो 1500 मिला के ये देगा ना, तो 2374.75 होना चाहिए जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो मार्क फॉर रिव्यू अगर आपको करना है और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था तो मेरे ख्याल से कर भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग 1500 माइनस करके दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है स्टेटमेंट में, तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, मैंने आपको चीज़ समझा दी। फोर्थ, कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस, अगर सिंपल इसको तो ओरल करो, सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 80 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है आउट ऑफ 80, 1/4, 1/4 कितना होता है 25%, ऑप्शन बी, ठीक है। अभी याद करो थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लेंगे, हो सकता है कि थर्ड क्वेश्चन करने में 5-1 मिनट लग गया हो, अब ये उसकी कवर कर देगा। अब इसको तो हमने विद इन 30 सेकेंड्स कर लिया, तो इसे ओवरऑल मैनेज हो जाएगा 40 मिनट मैक्सिमम, ये पूरे 20 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे,
अब देखो ये ओरल था, सीधे सीधे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ओरल लगाएंगे, नहीं तो नहीं। वन बाय एक्स पॉजिटिव है, वन बाय वाई नेगेटिव है, हो भी सकता है नहीं भी, तो इसको हटाओ। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बी तो सही हो गई। अब देखो ऑप्शन कैसे लगाने, बी आपको ए ए तो गलत था, यानी ये आंसर हो नहीं सकता, बी कहीं और दिख नहीं रहा, मतलब ये सब गए, आंसर बी लगा दो अगर टाइम की कमी पड़ रही थी तो। फिर भी सी भी चेक कर लेते हैं। देखो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ये हो जाएगा वन बाय वाई माइनस वन बाय एक्स, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया, ओवरऑल नेगेटिव, ये भी सही है। तो देखो बी और सी दोनों सही थे, ठीक है, कितने आसानी से कर लिया, ये भी विद इन 30 सेकेंड्स का था। ये देखो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ने थर्ड को कंपनसेट कर दिया, एग्जाम देना समझ में आ रहा है ना कैसे दिया जाता है। अगला, द फॉलोइंग पाई चार्ट एम्बॉडीज इन डिटेल अबाउट द पर्सन, 1500 यूनिट है ए टू जी, 1500 ये उनका वो दिया हुआ है, ठीक है, 1500 अपॉन 100 कर दूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ 15। अब जो भी पूछेंगे उसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ए एंड जी प्रोड्यूसिंग, ए और जी 16 और 12 कितना हो गया, 28, 28 से मल्टीप्लाई कर दो 420, मोर देन 500 ये नहीं है। बी और एफ 11 और 5 16, 15 इंटू 16 कर दो 240, लेस देन 250, ये सही है। देखो बी सही है, ऑप्शन में देख लो किस किस में बी था, ए गलत है ये हो नहीं सकता, बी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी लगा दो। देखो इस तरीके से लगाए जाते हैं, सी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चीज समझ में आ गई। इस तरीके से जल्दी जल्दी आंसर लगाया करो एग्जाम में। सेवंथ क्वेश्चन, इन अ लोकल इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, एक को 55% मिले टोटल वैलिड वोट्स से, एंड वो डिक्लेयर्ड एज विनर, ठीक है, 15% इनवैलिड थे। अब देखो टोटल वोट कितने हुए, 15200, इनवैलिड कितने हो गए 15%, यानी वैलिड कितने होंगे 85%। अब विनर को इसमें से मिले 55, तो लूजर को कितने मिलेंगे 45%, है ना, लूजर का ही पूछा था, इसका आप ले लो 45%। ये दो जीरो से ये दो जीरो गए, ठीक है, और काटो, देखो सबसे आसान, सबकी यूनिट डिजिट अलग दिख रही है, जीरो तो वैसे ही नहीं होगा, ए और बी हटा दो। अब 9 7 63 का 3, 3 8 24 का 4, ऑप्शन में 4 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे, ये लगा दो। देखो ये भी विद इन 30 सेकेंड्स कर लिया दिमाग लगा के, ये छोटी छोटी सी चीज़ ध्यान रखना एग्जाम में खूब काम आएंगी, ठीक है। अब कई महान बच्चे होंगे जिन्होंने पूरा 5 8 1 4 निकाला होगा। एट्थ क्वेश्चन, फोर शिप फार्मर्स रेंटेड अ पश्चर, अनिल ग्रेस्ड हिज 24 शिप ने 3 मंथ के लिए किया, इन्हें ओवरऑल अनिल का आ गया 72, रेशियो में होगा वही देख लेते। बिमल का 10 5 मंथ्स के लिए, यानी बिमल का आ गया 50, 10 फाइव से 50। चंपक का 35 × 4, 35 × 2 = 70, 72 = 140, चंपक का ये आ गया, ये लिखना है इधर ऐसे ए बी सी ताकि आपको याद रहे। दामोदर का 21 × 3 63। अनिल का शेयर 720 रुपीज़ है, तो देखो टोटल कितना भी हो उसमें इन सबको ऐड कर दो पहले, तो अनिल का शेयर कितना हो जाएगा टोटल का, 72 अपॉन 325 ऑफ टोटल, ये अनिल का शेयर है जो कि दिया हुआ 720, इससे पूरे कैंसिल हो गए सिर्फ 10 बचा, टोटल आ गया 3250, ऑप्शन बी। आसान था ये भी, सिंपल रेशियो का क्वेश्चन था। नाइन्थ क्वेश्चन, इन अ बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:6, देखो इसको ओरल कर देना, गर्ल्स का एवरेज है 60, पूरे बैच का है 62। अच्छा ये 50 से फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देना है ना, 5 टाइम्स आएगा 5, 20 लड़के हो जाएंगे, 30 लड़कियाँ हो जाएंगी, उस पर ध्यान ना दो, अगर रेशियो दे दिए तो ये 4 और 6 से ही हमारा काम हो जाएगा।
है ना, ध्यान से ओरल कैसे करना है समझना। अगर आपको विद इन 30 सेकेंड क्वेश्चन करना है तो देखना ओरल कैसे करना है। सिक्स गर्ल्स हैं, एवरेज इनका 60। अच्छा ओवरऑल क्लास का है 62, इन्हें गर्ल्स का दो दो कम है, सिक्स गर्ल्स का टू टू लेस है एवरेज से, तो 62 इज़ अ 12, ओवरऑल 12 कम है। अच्छा लड़के हैं 4, इनका 12 इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये एवरेज 62 मेंटेन हो जाए, है ना। तो लड़कों का 3 3 प्लस करना पड़ेगा 62 से, तभी 4 3 12 की ये मैनेज होगा। तो लड़कों का एवरेज 62 से 3 ज़्यादा होगा, 65, ऑप्शन डी। इस वाले सॉल्यूशन को आप 3 4 बार रिवाइंड करके सुन लेना, है ना, ये ओरल करने में आपको काफ़ी काम आएगा। ठीक है, अगला, एवरेज स्पीड 40 से डेस्टिनेशन पे पहुंच गई ट्रेन, अच्छा 30 से लेट हो गई, यानी डेस्टिनेशन अपॉन 30 माइनस डेस्टिनेशन यानी डिस्टेंस अपॉन 40, ये 36/60, आर में कन्वर्ट कर लो। टोटल डिस्टेंस डी बताना है, तो डी इज इंटू 40 माइनस 30, 10/120, 120 एलसीएम हो गया, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1/120 इज इक्वल टू 36/60, 62 इज़ अ 120, डिस्टेंस आ गई 72। ये भी आप लोग विद इन 30 सेकेंड कर सकते थे, ऑप्शन ए। 11th क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल एम्बॉडीज द डिटेल अबाउट एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट एक्टिविटीज, नेमली स्विमिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग, हैंडीक्राफ्ट इन अ स्कूल ड्यूरिंग सेशन 2021 एंड। ठीक है, टोटल 3000 स्टूडेंट्स हैं, 1750 गर्ल्स हैं, और ये डेटा दे दिया, परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंट ऑफ गर्ल्स, और ये बॉयज़ गर्ल्स गर्ल्स ये सब दिया हुआ है। ठीक है, मैच द कॉलम करना है, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, चलो अब है तो है करते हैं। अब परसेंटेज है, 3000 में बताओ अपॉन 100 कर दूंगा तो सिर्फ ये बचेगा 30, 30 × 16 × 3 480, ये 630, सीधे 33 का मल्टीप्लाई इंटू 0 करते जाओ यानी इंटू 10, ये आ गया। अब गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं 1750 अपॉन 100 कर दूंगा तो देखो 17.5 आएगा, इंटू 14 कर देता हूँ पहले, है ना, तो कितना आएगा, 245। ये गर्ल्स से ध्यान रखना, अब इसी का डबल कर दूंगा तो 490 आ जाएगा, क्योंकि 14% है, अगला 20% 28% इसका डबल ही होगा, इंटू 2 ही तो करना है, 16% कितना होगा, 17.5 इंटू 16 कर दो, टू एट्टी, 20% 175 इंटू 2 कर दो, है ना, कितना आ जाएगा, 350। अरे 22%, अरे 22 को इंटू 17.5 इंटू 22, है ना, करना है, ठीक ठीक है, तो 17.5 इंटू 22 तो क्या आ जाएगा, वैसे मैं कर सकता था उधर लेकिन फिर भी रिस्क ना ली जाए, इंटू 2 करके तो 350 आया था, 350 दो बार लिख दो, तो 385 आ जाएगा, है ना, यही आएगा ना। चलो अब बॉयज का बोला है सिंगिंग और हैंडीक्राफ्ट का, अब देखो सिंगिंग बॉयज कितने होंगे, 630, अब 490 तो लड़कियां हो गई, इन्हें 10 इधर बची, सो 140 बॉयज होंगे, ठीक है, और इधर कितने होंगे, 365 आनी चाहिए,
ठीक है देख लेते हैं। ठीक है अब टोटल इनका बताना है, तो इन दोनों का टोटल 505, तो ए का आ रहा है 3। चलो इसका 3 देखें, ए का 3 हो, बहुत बढ़िया, एक ही ऑप्शन में था, डी लगा दो, पूरा सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो कई बार ऐसा दिमाग लगा लेना चाहिए, दो एक ऑप्शन में होता तब मुझे सोचना पड़ता। ठीक है बाकी अगर आपकी इच्छा पूरे में इस कॉलम करते रहो। 12th क्वेश्चन, इफ अ 30 मीटर लैडर इज प्लेस अगेंस्ट अ वॉल, इस टाइप के क्वेश्चन खूब क्यों होंगे। ये लैडर हो गई, ये लेंथ दे दी 30, सच दैट इट जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वॉल, चलो यहीं पे टॉप पे ही है। इफ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड बेस ऑफ द लैडर, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी 30 है तो ये 10 हाइट। पाइथागोरस भाई साहब जिंदाबाद, 30 का स्क्वायर 900, 10 का स्क्वायर 100, 800 रूट ले लेंगे इसका, 100 का रूट 10 बार आ गया, √8, 10 √8 होता है 2√2, यानी 20√2। ओरल कर सकते थे इसको, ऑप्शन बी, ये भी विद इन 30 सेकेंड्स का था। 13th क्वेश्चन, इन अ बैग दे आर 15 रेड 10 ग्रीन बॉल्स, 3 बॉल्स सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी 25 में से मुझे 3 बॉल्स लेनी है, टोटल कैसी हो जाएंगे, क्या होगा भाई सॉल्व कर लो। ट्वेंटी थ्री हंड्रेड है ना, आगे द प्रोबेबिलिटी 2 रेड बॉल, अच्छा रेड है 15, यानी 15 में से 2 रेड बॉल आ जाए, यानी क्या इसका केस कितना आ जाएगा, ये, और 10 में से एक ही ग्रीन लेनी है, यानी 10c1 की वैल्यू तो 10, यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा 105 × 10 अपॉन 2300, इससे ये गया 5 से एक बार उड़ जाएगा, (21/46) ऑप्शन ए, सिंपल था ये तो। अगला 14 to 16, वापस से कैलकुलेटिव क्वेश्चन, 60 लाख से टोटल वर्कफोर्स, 3 क्वेश्चन है इस पे, चलो 60 लाख से अपॉन 100 कर दो परसेंटेज वाला, क्या बचा 60,000, अब 15%, 15 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1, 2, 3, 4 जीरो तो रहे, ये इधर आ गया, अब 12 का मल्टीप्लाई कर दे, 4 जीरो तो रहते, अब ऐसे ही 4 जीरो तो रहेंगे, ये पूरा एक बार में ही लिख लेते हैं, बाद में जो पूछे जाएगा बता देंगे। 18 6 108, आगे 4 जीरो, 21 6 चार जीरो तो लगाओ पहले, और 19 4 जीरो लगाओ, और ये कितना था 6, 19 6 114, ठीक है अच्छा एक और है 6%, 6 6 36, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन SA एंड MA पुट टुगेदर, फीमेल SA और MA में, ये रहा SA, फीमेल है इसमें 3/8 ऑफ 72,000 है ना, (7,20,000) और इसमें 4/7 ऑफ 126, उसके आगे 4 जीरो, ठीक है ठीक है। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट बाद में भी कर सकते हैं, या चलो कर ही लें अभी,
ये चार जीरो तो सभी में थे, है ना, वो अपन हटा भी सकते हैं हमारी ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। फिर भी और इधर कितना आएगा, नाइन्टी नाइन, इसके आगे चार जीरो, ये इन दोनों का मिला के हो गया। फीमेल पीटी में फीमेल कितनी है, पीटी ये रहा, इसमें फीमेल है 3/8 ऑफ फोर टू सेवन फाइव डबल जीरो, तो 9 9, ये डिफरेंस देख लो, यही पूछा था। फाइव सिक्स टू फाइव ऑप्शन सी है ना, एकदम अपन ने एग्जैक्ट निकाल लिया। 15th, अब देखो व्हाट परसेंटेज पूछा है, अब ध्यान से देखना, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ मेल वर्क फोर्स इन एस ए एंड एम ए, एस ए और एम ए में, ठीक है, ध्यान से देखना, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये एग्जाम में कैसे किया जाए वो सीख लो। देखो एस ए में 12 का 5/8 पार्ट है ना, तो 12 इंटू 5/8 प्लस एम ए में कितना है, 21 का 3/7 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क फोर्स इन पीटी, पीटी का टोटल वर्क फोर्स अगर टोटल लोग अपन 100 मान लें तो पीटी की कितना हो जाएगा, 90। ये सबसे आसान तरीका है ना, वो कोई 60,000 लेने की जरूरत नहीं अगर पूरी डाटा परसेंटेज और रेशो में ही है तो, ठीक है। तो देखो हमने जो पिछले क्वेश्चन में इतनी सारी कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं करेंगे, सॉल्व कर लो। सिक्सटीन पॉइंट फाइव अपॉन 19, ठीक है, 19 की टेबल देखो भाई, 19 की टेबल मुझे तो नहीं आती, फिर भी कोशिश करते हैं, है ना। 19 एट ज़ा कितना होगा, सभी ऑप्शन में 8 8 8 8 था ना, 19 एट ज़ा होगा 152, बचा कितना 13, जीरो लग गया है ना, 86 पॉइंट समथिंग जाएगा, 0.86, ऑप्शन भी लगा दो 87, ठीक, सिंपल था, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। अब नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, फिर से व्हाट परसेंटेज आ गया, फिर से वो पूरे डेटा की जरूरत नहीं, एसी एंड पीआर, फीमेल देख लो एसी और पीआर में कितनी है, एसी में 15 का 2/5 इन 15 इंटू 2/5 करूँगा 6 आ जाएगा, एसी और पीआर 18 इंटू 7/12 कर दो 10.5, तो 10.5 प्लस 6 16.5, हम समझ में आ गया ना कैसे किया है, ठीक है, इतनी स्पीड में करना पड़ेगा आपको भी। मेल सीएम में, सीएम में मेल कितने हैं भाई, सीएम सीएम ये 9 इंटू मेल है ना, पहली वाली चीज 4/9, खच खच सिर्फ 4 बचे, सॉल्व कर लो। फीमेल का एक बार एसी और पीआर फिर से देख लो, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, एसी में फीमेल है 2/5 और 15 5 6 सही है, एसी और पीआर 7 में, ये
ये 4 by 9 नहीं, 5 by 9 है, वही तो मैं सोचूं, मेल है ना, पहली वाली चीज देखनी, 5, ठीक है, अपॉन में 5 कर दूं, 3.3 आएगा, इंटू 100, 330, ऑप्शन ए, उम्मीद है ये भी सन में आ गया होगा, ठीक है। अगला 17th, देखो कई बार तो दिमाग में आएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, अब दिमाग में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाओ, फिर वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए ध्यान से देख लेते, तो 2 1 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, तो अगर एक्स को मैं 2 वाई को 1 मान लूँ तो 1 सेकंड में हो गया, या एक्स को 1 वाई को 2 मान लेना, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 प्लस 1 9, ऑप्शन डी। ये ओरल कर सकते थे क्योंकि वैल्यूज इतनी थी कि आराम से अपन इमेजिन कर सकते थे, नहीं तो फिर आप ये बड़े तरीके से करना, आंसर तो 9 ही आएगा। 18th क्वेश्चन में गड़बड़ थी, देखो क्या थी, टोटल बॉल कितनी, 6 प्लस 11 प्लस 5, 22 बॉल्स है, टू बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैक वन आफ्टर अनदर, ठीक है, या तो दोनों एक साथ निकालता तो वैसा लिखा नहीं, और विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक है, फिर भी ऑप्शन के हिसाब से चलें बहुत सारे, तो इन लोगों ने जो कहना चाह रहे हैं उसके हिसाब से भी अगर करें, ठीक है। अब फर्स्ट बॉल निकाली रेड, तो पहली अगर रेड निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 बाय 22। अब अगर हम रिप्लेस नहीं करते इनकेस, तो अब 21 बॉल्स बची, अगले के डिनोमिनेटर में 21 आएगा, ठीक है, मैं दोनों केस लेके बता दूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड येलो के आने के, तो 11 बाय 21 सॉल्व कर लेंगे, 3 बाय 21 यानी 1 बाय 7 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर इसका करेक्ट तो है 1 बाय 7, ठीक है। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट भी देखते तो कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं मिलेगा, ये तो विदाउट रिप्लेसमेंट था, विथ रिप्लेसमेंट देखते तो 6 बाय 22 इंटू 11 बाय 22 होता, अगर वो बॉल वापस डाल दी होती तो 3 बाय 22 होता, वो तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो ये वाला केस तो ऐसे ही हटा दो। तो ये लोग विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो 1 बाय 7 आएगा, है ना, इसमें वो C2 मत लगा देना, 22 C2, ठीक है, क्योंकि उस वाले केस में फिर पहली ये और दूसरी वो नहीं होती, फिर कोई सी भी रेड और कोई सी भी येलो हो सकती है, ठीक है, तो 2 बाय 7 इन्होंने आंसर दिया जो कि गलत है, आंसर तो 1 बाय 7 होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बॉल रेड बोल रहे हैं और सेकेंड येलो है, ठीक है। हाँ, 2 बाय 7 कब होता, जब ऐसा क्वेश्चन होता कि एक बॉल रेड और एक येलो हो, दोनों में फर्क है ना, तब पहली रेड और दूसरी येलो होता, दूसरा केस हो जाता पहली येलो दूसरी रेड, तो 1 बाय 7 प्लस 1 और बार कर देता तो 2 बाय 7 होता, है ना, तो इन लोगों ने जो ऑप्शन 2 बाय 7 लगाया है वो उस लॉजिक से, तो जो कि गलत है, करेक्ट आंसर इसका 1 बाय 7 है, याद रखना, क्लियर हो गया। अगला 19th, एक अगर एक्स टाइम लेगा तो एक 3x लेगा, तो वन सिंपल है, 1 बाय x प्लस 1 बाय 3x इज इक्वल टू 1 बाय 36, तो 4 बाय 3x इज इक्वल टू 1 बाय 36, सॉल्व कर लूँ, x की वैल्यू आ गई, और 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144, देन द स्लोअर पाइप कितना टाइम लेगा, 144 मिनट्स, ऑप्शन डी, स्लोअर 144 वाले ही है ना, 20। स्टेटमेंट वन, द सेट ऑफ नंबर 7 8 9, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हैं, मीन है इसका 9, यानी ओवरऑल टोटल होगा 72, ठीक है, ये ऑप्शन आईडी हटा दो। अब इनका एडिशन देख लेते हैं कितना है, 49 प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना आ गया, 23, मोड दिया हुआ है 8। अच्छा देखो, 8 भी 2 टाइम्स है, 7 भी 2 टाइम्स है, ए और बी में अब एक ना एक को तो 8 होना ही पड़ेगा, अगर ए 8 हो गया तो बी क्या हो जाएगा, 23 माइनस 8 15, अब ए इंटू बी बोल रहा है 120 होगा, सही है, 15 8 से 120। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता कि ए 8 या ए 15 होगा तो वो गलत हो जाता, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि 8 और 15 ए और बी में कौन है, क्लियर, लेकिन हाँ ए इंटू बी तो 120 ही होगा, तो ये सही होगा। सेकंड,
ए और बी तो पॉजिटिव इंटीजर है, अच्छा पॉजिटिव इंटीजर है, ए प्लस बी 20 दिया हुआ है, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 84 माइनस 20, 64। ठीक है, मान के चलते हैं कि ए प्लस बी 20 है, यहां से मुझे इंटीजर निकालने में हेल्प हो जाएगी। अब 8 8 से 64 होता है, लेकिन 8 प्लस 8 16 होता है, ये केस नहीं हो पाएगा। 16 4 से 64 होता है, और 16 प्लस 4 भी 20 होता है, ये केस हो गया है ना। तो दो इंटीजर थे, ठीक है, तो अगर एक में 16 दूसरा 4 मान लो, और पॉजिटिव इंटीजर ही थे, तो एक ही कंडीशन बनेगी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर ही हैं, है ना, और इनका एडिशन भी 20 है ना, दूसरा भी सही है, तो दोनों सही हैं, ऑप्शन ए। ठीक, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरा डिटेल में पूरे सॉल्यूशन बता दिए मैंने, ठीक है, ठीक है। और हाँ, वीडियो पूरा देख लिया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पसंद आ रहा हो या कोर्स परचेस करना हो तो कैट 2022 और 23 की लिंक आपको स्क्रीन पे दिखी रही होगी, तो ब्रांड के पीछे ना भागते हुए कोर्स परचेस कर लो। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।